हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है आज सर्वाइवल एवोल्यूशन के एक और नए एपिसोड में। तो आज के इस वाले एपिसोड में हम जो है इम्प्लांट लेकर के आए थे हमारे डायरवुल्फ्स के, उनको जो है टेम करने वाले हैं। तो उसके लिए जो है हमें एक रिवाइवल रूम बनाना पड़ेगा। और ये देखो, यहाँ पर मैंने सारे आर्टिफैक्ट जो है लगा दिए हैं, और मेरे पास जो है अल्फा रेक्स की ट्रॉफी वापस आ चुकी है, क्योंकि मुझे एक और अल्फा रेक्स ऑफलाइन में मिल गया था और मैंने उसे जो है किल कर दिया। और यहाँ पर है हमारा सामान, और मैंने जो है हमारे जो रूम है रिवाइवल रूम, उसके लिए थोड़ा बहुत सामान पहले से ही बना रखा है, बट मुझे नहीं लगता कि इतने से काम होगा। तो देख लेंगे, अगर इतने से काम हो जाएगा तो। और हम जो है एक हमारे ये 295 वाले मेल डायरवुल्फ को आज जो है टेम करने वाले हैं। और जब मैं जो है इन्हें केव से लेकर आया था, तभी मैंने जो है इनके देख लिए थे लेवल और जेंडर, मेल और फीमेल दोनों है हमारे पास। तो हमें जो है फटाफट से पहले रिवाइवल रूम बनाना पड़ेगा। तो हम जो है रिवाइवल रूम बनाएंगे हमारे ब्रीडिंग चैम्बर के जस्ट साइड में। तो यहाँ पर ही हम जो है हमारा रिवाइवल रूम बनाएंगे। बट ओके, इसे जो है यहाँ पर हमें करना है प्लेस। अब इसके चारों तरफ जो है हमें लगाने हैं फाउंडेशंस। तो हम जो है इसके चारों तरफ यहाँ पर फाउंडेशंस लगा देंगे कुछ इस तरीके से। और जो है आपको जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस आप छोड़ सकते हो। तो मेरे स्पेस में तो मेरे बेस में तो जो है बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो मैं जो है थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ करके बना देता हूँ इसे। आप जो है थोड़ा आगे पीछे करके फाउंडेशन को लगा सकते हो। ओके, यहाँ पर भी लग जाएगी, बट मैं जो है थोड़ा आगे लगाऊंगा। यहाँ से जो है कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है, और चारों तरफ जो है इसी तरीके से आपको बनाना है। और देखो यार, यहाँ पर कम पड़ गए, तो मैं जो है यार इसे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, मुझे जो है थोड़े बहुत फाउंडेशन कम पड़ गए थे, तो मैं जो है डीओडी क्रश और अपने फैल्कन को लेकर के थोड़ी सी स्टोन फार्मिंग पे गया था, और वहाँ से जो है मैं थोड़ी बहुत स्टोन को फार्म करके लेकर के आ चुका हूँ। और ये फाउंडेशन जो है यहाँ पर लगा देता हूँ वापस। और अब जो है हमें इसे वॉल से कवर करना है, तो इसे जो है चारों तरफ से हम कवर कर देते हैं। और मुझे पता है कि ये वॉल्स जो है कम पड़ने वाली है, तो ऐसा करता हूँ मैं इसे कंप्लीट ही कर देता हूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो ओके गाइस, मैंने जो है इसकी रूफ़ को भी लगभग कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर बस थोड़े और लगाने हैं हमें रूफ़, और उसके बाद जो है हमारा ये रिवाइवल रूम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हम किसी भी डायनो को रिसरेक्ट करके उसे टेम कर लेंगे। ओके, तो हमें जो है ये एक कम पड़ गया है, तो एक और जो है मैं क्राफ्ट करके आ जाता हूँ। और यार, इसके बीच में जो है मुझे 2 से 3 बार जो है स्टोन फार्मिंग और वुड फार्मिंग के लिए जाना पड़ा। तो देखो यार, मैं मेमथ को भी यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ। ये देखो यार, मुझे वापस से जो है वुड फार्मिंग और ये स्टोन फार्मिंग के लिए जाना पड़ा था। और यहाँ से हम जो है एक और रूफ बना लेते हैं, और अब जो है हमारा रिवाइवल रूम जो है कम्प्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हमें जो है नाइट होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है नाइट होने के बाद ही हमारे डायरवुल्फ को टेम करेंगे। क्योंकि यार, ऐसे तो वो जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और उसका टेमिंग इफेक्टिवनेस भी जाएगा। तो हम जो है अब नाइट होने का वेट करते हैं, और मैं पहले जो है इसे आपको अंदर से दिखा देता हूँ किस तरीके से ये दिख रहा है। बाहर से तो आप इसका लुक देख ही रहे हो, और अंदर से भी जो है मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जो है हम रिसरेक्ट कर देंगे किसी भी डायनो को, और यहाँ पर केवल गीगा को छोड़कर हम रैक्स तक को भी जो है रिसरेक्ट कर सकते हैं। तो ये रूम बहुत है हमारे सभी डायनोस के लिए, और आपको पता होगा कि हम जो है गीगा को रिसरेक्ट केवल हमारे जो होते हैं ओब्लिक्स, रेड ओब्लिक, ग्रीन ओब्लिक या फिर ब्लू ओब्लिक, इन तीनों में से आप किसी पे भी कर सकते हो। और आप जो है रिवाइवल प्लेटफॉर्म पर गीगा को रिवाइव नहीं कर सकते, तो आपको जो है ट्रैप बना लेना अगर आप गीगा को रिवाइव करते हो तो। और अब जो है हमें यहाँ पर देखो, हमें चाहिए होंगे डार्ट्स जो हमें जो है नॉक करने के काम में आएंगे। और यहाँ से जो है डार्ट ले लिए हैं, वहाँ से मैं जो है सूथिंग बाम और हमारे डायरवुल्फ का इम्प्लांट ले लेता हूँ।
और जो है नाइट होने का वेट करता हूँ और फिर वह आपसे मिलता हूँ। सो गाइज, नाइट भी हो चुकी है और मैंने सारी प्रिपरेशन जो है कर ली है, आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारे डायरवुल्फ का इम्प्लांट और मैंने जो है गेम भी सेव कर लिया है। तो फटाफट से अब जो है चलते हैं अंदर और हमारे डायरवुल्फ को जो है स्पॉन करवाते हैं, मतलब रिसरेक्ट करते हैं। ओके, 32 एम्बर्स लगेंगे और इसे वापस गेट को कर देता हूँ मैं लॉक। और ये जो है हमारा डायरवुल्फ हो चुका है स्पॉन। ओके, हमें जो है एक डार्ट इसे मारना पड़ेगा, बट हम थोड़ा सा नीचे हैं, कहीं ऊंची जगह पर जाकर के मुझे इसे डार्ट मारना पड़ेगा शायद से। यहाँ पर से तो देखो यार इसे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे जो है साइड में से जो है मैं इसे मार देता हूँ। एक ही डार्ट मारेंगे और फिर सोने के बाद में जो है इसे हम नॉक करेंगे। तो ओके, ये देखो हम पर एग्रो हो चुका है और ये वॉल को तोड़ रहा है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। और हमारा फूड लेवल जो है लो है और हमें डायरवुल्फ के लिए भी फूड चाहिए होगा। तो ऐसा करता हूँ मैं पहले जो है फूड ही लेकर के आ जाता हूँ, क्योंकि हमारा बंदा जो है यार वरना मर जाएगा। तो इसे जो है मैं फूड खिला देता हूँ पहले। हमारे यहाँ पर देखो बहुत सारा प्राइम मीट है, कुक प्राइम मीट, रॉ प्राइम मीट इकट्ठा करने जाऊँगा तो अभी यार बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा मैं जो है इसे कुक्ड प्राइम मीट खिला देता हूँ, ज़्यादा नहीं लगेंगे, 4 से 5 में शायद ये टेम हो जाए। तो अब जो है इसे नॉक करना स्टार्ट करते हैं। और हमारी असेंडेंट वाली राइफल है तो ये फटाफट से नॉक हो जाएगा। तो देखते हैं इसे कितने डार्ट्स लगेंगे नॉक होने के लिए। और यहाँ पर ये देखो वॉल को तोड़ने में अभी तो बिजी है, तो हमें ये कुछ नहीं करेगा। और ये तो वैसे भी हमें जो है कुछ कर नहीं सकता, और ये स्टोन की वॉल को नहीं तोड़ सकता। ओके, इसका आधा टॉर पर आ चुका है, तो इसे जो है 2 से 3 डार्ट और मारने पड़ेंगे, उसके बाद ये जो है भागने लग जाएगा। ओके यार, ये तो एक में ही भागने लग गया है, तो हम जो है अभी से अंदर जा कर के जो है नॉक कर सकते हैं। तो फटाफट से अंदर चलते हैं और इसे नॉक करते हैं, क्योंकि ये जो है अब हम पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है इसको टॉर पर चढ़ चुका है और ये जो है अब इधर उधर भागने लग गया है, तो हम पे अटैक जो है नहीं करेगा ये। और अब जो है शायद नॉक हो जाएगा 1 या 2 एरोज़ में। मैं इसका टॉर पर चेक कर लेता हूँ। ओके, इसका टॉर पर जो है हो चुका है फुल, तो शायद ये इसे डार्ट मारने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके यार, अभी तक तो नॉक नहीं हुआ, शायद वापस से इसका टॉर पर उतरने लग गया। तो एक डार्ट और मार देते हैं और ये हमारा डायरवुल्फ जो है अनकॉन्शियस हो चुका है। तो अब जो है इसे मैं दे देता हूँ सूथिंग बाम, और इसका फूड बार जो है लो है, तो इसे सूथिंग वाम देते हैं और इसे दे देते हैं हमारा कुक्ड प्राइम मीट। ओके, 78%, और ये टेम हो चुका है हमारा 442 लेवल का मेल डायरवुल्फ। और उसका कलर भी जो है बहुत सही है यार, वाइट है कलर पूरा और ऊपर से हल्का सा सिल्वर है, तो ये तो चल जाएगा। तो आप लोग जो है इसके लिए नाम सजेस्ट ज़रूर से कर देना। तो इसे जो है बाहर लेकर के चलते हैं और आपको जो है इसकी पावर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो है हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई लेवल का है। और मैं जो है इसका इम्प्लांट केव से लेकर के आया था, हमारे स्ट्रॉन्ग केव से। तो हमारे स्ट्रॉन्ग केव में जो है सभी डायरवुल्फ्स के लेवल हाई होते हैं। तो आपको जो है मैं इसका पावर भी दिखा देता हूँ और इसके जो है स्टैट्स भी बढ़िया है, बट मैं जो है इसका मिली डैमेज अप कर दूंगा ऑफलाइन में, जो है इसका लेवल अप कर लेंगे थोड़ा बहुत। और अभी तो जो है बाहर जा कर के इसका आपको पावर दिखा देता हूँ। इसे गेट को करते हैं वापस से बंद और यहाँ पर आसपास में देखो यार अभी कोई भी डायनो नहीं है, ऐसे में जो है रैप्टर और ट्राइक वगैरह यहाँ पर घूमते रहते हैं। ओके, यहाँ पर एक डिलोफोसोरस है, तो इसे किल करके देखता हूँ। ओके, 1-2 बाइट में, ओके 2 बाइट में जो है डिलोफोसोरस का काम ख़त्म हो चुका है। और वहाँ पर एक और कार्बोनेमिस भी है, तो इसे भी किल कर देते हैं। ओके, यहाँ पर और कोई है नहीं, तो देखते हैं। ओके भाई, 200 का डैमेज दे रहा है एक बार में, तो ये तो सही है। तो आज के ये वाली वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।